आज मकर संक्रांति, हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। साल का पहला बड़ा गंगा स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति का है और इस स्नान पर्व का काफी महत्व भी है, क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो जाता है, इसीलिए मकर संक्रांति के स्नान को खास माना जाता है। तो मकर संक्रांति के पर्व पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। देखिए, गंगा स्नान का बहुत महत्व है। पवित्र नदियों में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस दिन आस्था की डुबकी लगाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो आपके सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। इसके साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। और इसी को देखते हुए लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ तीर्थस्थलों पर देखने को मिल रही है। देखिए, जब आज सूर्य अपनी शत्रु की राशि, अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे मकर की संक्रांति कहते हैं। सूर्य के जाने को, राशि परिवर्तन करने को संक्रांति हम प्रयोग कहते हैं। आज से ही सूर्य का ताप घटता हुआ महसूस होगा और सर्दी बढ़ती हुई महसूस होगी, और आप ये समझ लीजिए कि इसके साथ ही एक पुण्यदायी समय आरंभ हो जाता है। इस मकर संक्रांति के समय पर शनि की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे तिल वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो दान करने से, स्नान करने के पश्चात, स्नान का भी विशेष महत्व ये है कि मौन रहकर स्नान करना होता है और अपने कुल पुरोहित या गंगा पुरोहित को दान देने तक मौन ही रहना है, और दान देने के बाद ही भगवान नारायण के नाम का स्मरण करने के पश्चात ही मुख से कुछ शब्द बोलना होता है। आज बहुत बड़ा पर्व है मकर संक्रांति जी का, और भारत माता के लिए हम शांतिपूर्ण से गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं, शांतिपूर्ण रहे, सभी सनातन धर्म को बचा के रखे, गंगा माँ की आशीर्वाद रहे पूरे देश पर और हमारे ऊपर। हमारे जितने भी कोई हमसे गलती हुई हो, गंगा माँ हमको माफ़ करें। और आज इतना प्रसन्न हो रहे हैं हम गंगा माँ के गोदी में आकर, हम गंगा माँ की इतना आशीर्वाद लेने आए। हमने बहुत मान्यता सुनी थी कि गंगा मैया में आकर स्नान करने से सब मनोकामना पूरी होती है, तो हम पहली बार आए हैं, जहाँ आके देखा बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत मजा आया, हमने सबने एंजॉय किया बहुत ज्यादा। मकर संक्रांति का स्नान में हमने 13 मास नहाया था, कुशल मंगल गंगा माता ने हमको अच्छा आशीर्वाद दिया, अच्छे से स्नान किया 13 महीने, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है।